एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा ने कहा कि सरकार के द्वारा कृषि उपज मंडी एक्ट में परिवर्तन करके बहुत बढ़िया काम किया है, जिसके तहत हिमाचल में भी किसानों को घर द्वार पर अपने उत्पाद बेचने की सुविधा मिल सकेगी और किसी भी मंडी में किसान ई सुविधा से बेच सकेंगे। शर्मा ने कहा कि इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, तो पीएम मोदी का 2022 में किसानों की आय को दोगुना करना है वे पूरा होगा। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनकी सरकार का। आदरणीय मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को, किसानों को और वंचित वर्ग को समर्पित होगी, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय इस देश के अंदर लिया, कृषि उपज मंडी समिति एक्ट जो था उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन प्रदेश और देश के किसानों के हित में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर एक अध्यादेश को पारित किया है, जिसके कारण अब किसानों को घर द्वार पर अपने उत्पाद बेचने की सुविधा उपलब्ध होगी। किसान पूरे देश भर में किसी भी मंडी में अपने उत्पाद को ई नैम के माध्यम से बेच सकेंगे और उनको किसी प्रकार की लूट मंडियों के अंदर ना हो, इस पर भी एक बहुत बड़ा चेक जो है वो इस अधिनियम के बाद हो रहा है, जिससे किसानों की आय में जहां वृद्धि होगी वहां जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि 2022 तक जो है किसानों की आय को दुगना करना है, उसमें भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर ये साबित होने जा रहा है। अजय शर्मा ने कहा कि 27 अगस्त को शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर किसानों के लिए कदम उठाते हुए शिमला से एक साथ 22 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में बने कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने सब्जी मंडी के विस्तारीकरण किया जा रहा है, जिससे किसानों और बागवानों को बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में हमीरपुर जिला में भी सब्जी मंडियों का विस्तारीकरण किया जाएगा और इसके लिए भूमि चयन किया जा रहा है। विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने किसानों और बागवानों के हित के लिए बहुत बड़ा कदम उठाते हुए आने वाली 27 तारीख को शिमला से एक साथ 22 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। और विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रदेश के अभी अभी हाल ही में बने कृषि मंत्री आदरणीय श्री वीरेंद्र कंवर जी का, कि उनके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में सब्जी मंडियों के विस्तारीकरण का एक नया युग शुरू हुआ है, और एक साथ 22 शिलान्यास और उद्घाटन होने के पश्चात जब इन मंडियों का विस्तारीकरण होगा तो किसानों को और बागवानों को बहुत बड़ी सुविधा हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलेगी। आने वाले समय में भी जिला हमीरपुर में भी मंडियों का विस्तारीकरण किया जाएगा, उसके लिए भूमि का चयन की प्रक्रिया जारी है, और चयन प्रक्रिया पूरी होते ही जो है हमीरपुर जिला के अंदर भी सब्जी मंडियों का विस्तारीकरण किया जाएगा। अजय शर्मा ने कहा कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन करना ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि इससे पूरे देश भर में एक ही टेस्ट से युवाओं को रोजगार मिलेगा और भारत के अंदर करोड़ों बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही नई शिक्षा नीति को बदलने पर अजय शर्मा ने कहा कि आज तक कई बार शिक्षा नीति को बदलने की चर्चा होती रही है, लेकिन पीएम मोदी ने शिक्षा नीति को बदला है, जिससे आने वाले समय में शिक्षा में बहुत ही सुधार हो सकेगा। बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने लिया है, केंद्रीय भर्ती एजेंसी का गठन करना और उसके माध्यम से पूरे देश भर में एक ही जो टेस्ट है उसके माध्यम से युवाओं को रोजगार मिलेगा, और हिंदुस्तान के अंदर इसके साथ साथ हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लाखों बेरोजगार युवक रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ी राहत इस केंद्रीय भर्ती एजेंसी के गठन होने से प्राप्त होगी। और एक और बहुत बड़ा निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है,
जिसमें नई शिक्षा नीति, आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में कई बार शिक्षा नीति पर चर्चाएं हुई, कई बार उसको बदलने की बातें हुई, लेकिन एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए नई शिक्षा नीति का पदार्पण हिंदुस्तान के अंदर हुआ है, जिससे आने वाले समय में शिक्षा में बहुत ही सुधार आने वाले हैं और एक रोजगार परक शिक्षा जो है वो आने वाले समय में युवाओं को दी जाएगी। इसके लिए भी मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री आदरणीय श्री वीरेंद्र कंवर जी ने बहुत कम समय में बहुत बेहतर प्रयास करते हुए, कई वर्षों से पंचायतों के पुनर्गठन का मामला हिमाचल प्रदेश में लटका हुआ था, दशकों से इनका पुनर्गठन नहीं हो पाया था, लेकिन माननीय कृषि मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी के अथक प्रयासों से, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में इन पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया बहुत ही कम समय में पूरी हुई है। इसके लिए मैं जहां प्रदेश सरकार को वहां पंचायती राज मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत सी पंचायतें और भी पुनर्गठन की राह देख रही थी, लेकिन कहीं प्रस्तावों के जाने में देरी के कारण से, कहीं कुछ अन्य तकनीकी कमियों के कारण से उनमें विलंब हुआ है, लेकिन आने वाले समय में उनको भी पूरा किया जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है।